जय सीताराम। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे दोहे पसंद आ रहे होंगे। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। सुनी भूषण जी के वचन शुभ, देखी राम पद ने, बोलूं प्रेम सहित गिरा गरुण विगत संदे। भूषण जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत कृत्य भयउ तब बानी, सुनी रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रत भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत कृत हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलदी मोहित तुम्हें भय, मोह कहे नाथ विविध सुख दए। मोह पई होई न प्रीति उपकारा, बदाऊं तव पद बारही बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम्हें सत तात न को ही बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरि धरनी, पर हित हेतु सुबन के करनी। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी, इन सबकी क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवने परी कहे न जाना। निज परिताप द्रवही नवनीता, पर सुख द्रवही संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने आप को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सफल मम भयउ, तब प्रसाद संशय सब गयउ। जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहीं बियंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिवजी जी कहते हैं, उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरु नाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयहुँ गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राखी रघुवीर। उन भुसंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह श्री संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह पवित्र इतिहास का, जिसे कानों से सुनते ही भव पाश छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समुद्र श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम बचन जनित अग जाई, सुनई जे कथा श्रवण मन लाई। त्रिटाठन साधन समुदाई, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग
वैराग और ज्ञान में निपुणता। नाना कर्म धर्म व्रत दाना जन्म संयम दम जप तप मखनाना भूत दया दिज गुरु सेवकाई विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई। जय लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई राम कृपा का एक पाए। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं हे भवानी, उन सबका फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वा श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावे बिनही प्रयास, जय या कथा निरंतर सुनई मानी विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई मही मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई धन धीरा सो छल छाड़ी भजई रघुवीर। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जय सुर सरी धन्य नारी पति व्रत अनुसरी, धन्य सो भूपु नीति जो करही धन्य सो दिज दिज धर्म न टरही। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं दिखता है। सो धन्य धन्य प्रथम गति जाकी धन्य पुनरतमति सोई पाके, धन घर सोई जब सत्संगा धन्य जन्म दिज भक्ति अभंगा। वह धन्य धन्य है जिसकी पहली गति होती है जो दान देने में वैभव होता है, वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पूर्ण में लगी हुई है, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की तीन गतियां होती हैं दान भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति। जो पुरुष न देता है न भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जय नरोपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भाषी जगपि प्रथम गुप्त करी राखे, तब मन प्रीति देखी अधिकाई तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था, जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। या न कह सटही हट सी लही जो मन लाई न सुन हरि लिलही, कही न लो बही क्रोधही कामही जो न भजही सचराचर श्यामही। यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो शट धूर्त हों, हटी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को
मन लगाकर ना सुनते हो। लोभी क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं बचते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। दिज द्रोही न सुनाही कबहूँ, सुरपति सरिज होई नृप जब हूँ। राम कथा कहते ही अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा ना सुनानी चाहिए। श्री राम कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सद संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, दिज सेवक अधिकारी ते ही। ताकै या विशेष सुखदाई, जाई प्राण प्रिय श्री रघुराय। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और इसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी ने प्राण के समान प्यारे हैं। रामचरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो या कथा करूं श्रवण पुट पान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। राम कथा गिर जा में बरनी, कलिमल समनी मनोमल हरनी। संस्रति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गा वही श्रुति सूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्रति रूपी रोग के लिए सजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। अहि मैं रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाऊं दे मार्ग सोई। इसमें सात समुद्र सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा। कहीं सुनहीं अनुमोदन करहीं, ते गोपद इव भवनिधि तरहीं। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुआई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, रामचरण उपजेउ नवनेहा। या कलयुग जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत कृत्य भयऊँ अब, तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। या शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एया। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, ए सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं या पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है।
श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कली काल साधन दूजा, जोग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुम रही गाए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं इस कली काल में योग यप जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़ बाना, गावई कवि श्रुति संत पुराना, ताही बजई मन तजी कुटलाई, राम बजे गति कही नहीं पाए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रेमन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से कितने परम गति नहीं पाए, किसने परम गति नहीं पाए। पाई न कई गति पतित पावन राम भजी सुनु सट मना, गनिका आजा मिल व्याद गिद अगजादि कल तारे घना, आभीर जमन की रात खस सपाचा दियति अग रूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन ओही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याद गिद गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया, आभीर यवन किरात खस शपंच चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित्र यानर, कहीं सुनहीं जय गा वहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सीधा वहीं, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयाँ को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं, अर्थात सारे रामचरित्र की जो तो बात ही क्या है। सो जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, शोक एक राम अकाम हित निर्माण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर भी प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस बिचारी रघुवंश मनी हरों विषम भव वीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम ही नारी प्यारी जिमी लो भई प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर
प्रिय लागो मोई राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत्स्फुट प्रभुता कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम श्रीमद्राम पदा दाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्ते तु रमाण्यम मत्वा तत्र रघुनाथ नाम निरतम स्वांत स्तवांत शांतये भाषावदमिदम चकार तुलसीदास तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस पारायण रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषा व्रत किया। पुण्यम पापहरम सदाशिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम मायामो मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपुरम शुभम श्रीमद्रा चरित्र मानस समिदम भक्त्याव गायंती ते संसार पतंग गोर किरणे ध्यानती नो मानवा। यह श्री रामचरित्र मानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति का देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल ये परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं चलते। मास परायण तीसवा विश्राम नवा परायण नवा विश्राम इति श्री मद्रास चरित्रे मानसे सकल कलुष विद्वसे सत्तम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित्र मानस का यह सातवां सोपान समाप्त हुआ। बोलो श्री रामचरित्र मानस की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिये पी की, गावते ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विसारत सुरक सन का दिशेष अरु सारद वरिनी पवन सुत कीरति नी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्ट दस, गावत वेद पुराण अष्ट दस, छयो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, छयो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, मुनि जन धन संतन को सर्बस, मुनि जन धन संतन को सर्बस, सारे अंश सम्मत सब ही की, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि करवी वर्ज बखानी, काक भसुंडी गरुण के ही की, काक भसुंडी गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनी विषय रस फीकी करनी, कलिमल हरनी विषय रस फीकी। आरती श्री रामायण जी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग बब मूरी अमी की, दलन रोग बब मूरी अमी की। आरती श्री रामायण जी की, तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। जय श्री रामचंद्र जी की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सारे भगवानों की जय हो। बोलो हनुमान जी की जय हो। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये दोहे पसंद आए होंगे। तो आज जो है रामचरितमानस के
जो है ये नवा पारायण और 36वां जो विश्राम है वो समाप्त होता है। और दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।